हेलो मेरे अपनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगे क्या बता, लेकिन मैं आ गई। तो हम लोग कहीं जाने के लिए तैयार हुए हैं और घर के मेरा बेटा है, मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग जा रहे हैं। सामने मुझे बटरफ्लाई दिख रही थी तो मैंने उसको भी कैप्चर कर ली, तो वो मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही थी तो ग्रीनरी में। और ये मेरी बहन की बेटी है जो कि 7 मंथ की हुई है, और बस वो स्माइल पास कर रही थी तो कैप्चर करना तो बनता था। फिर हम लोग निकले घर से, हम लोग हमारे यहाँ कानपुर में जाजमऊ एक जगह है, वहाँ पे मखदूम शाह आला दरगाह है। वहाँ पे हर बार हर साल सफ़र के महीने में 28 तारीख को कुल होता है, जो कि दिन में 11 बजे होता है। और उसी कुल को कुल में शरीक होने के लिए हम सब और बहुत थी। तो हम लोग मेन दरगाह में नहीं पहुंच पाए थे, तो बहुत दूर रास्ते में खड़े हो गए, बल्कि सामने दूसरी दरगाह दिख रही है वहीं पर खड़े हो गए थे। तो हमें क्योंकि जो दुआ करने आए वो तो कहीं भी कर सकते हैं, तो उसी के लिए हम लोग खड़े हुए थे। और क्या कहते हैं कि वो जो दरगाह है वो तो काफ़ी आगे है, और हम लोग हर बार जब भी इसमें शामिल होते हैं यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल का भी कुल हमें नसीब हो, और मेरे और अपने घर वालों, अपने दोस्तों, रिश्तेदार, अपने अम्मी, पापा, भाई बहन सब के लिए, सबकी रोज़ी के लिए, सब के लिए दुआएं करते चलते हैं। फिर मेरे बच्चे को झूला दिख गया, तो हम लोग ये दूसरी वाली दरगाह के गेट के अंदर आए और यहाँ पे झूले वगैरह थे, तो उसी के लिए मेरा बेटा पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है हम लोगों को, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, तो मन नहीं था रुकने का, बस लगे कितनी जल्दी मैं घर भाग जाऊँ, लेकिन बच्चों के जिद के आ गए तो भाई माँ बाप को तो झुकना ही पड़ेगा। फाइनली उनको ये पसंद आया, जंपिंग करके कुछ था, इसको क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन इनको भी मन नहीं लगा। फिर हम लोग वापस आ गए और रास्ते में देखते हुए जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर हमारे यहाँ कानपुर का ये बड़ा ही, कानपुर का कहूँ या फिर इस दरगाह के आसपास का, तो फेमस नाश्ता होता ही है, इसको लुचे ही बोलते हैं, साथ में कबाब और कुलचे तो बहुत ही खास होते हैं यहाँ पे।